Assalamualaikum दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे जिसका नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उसकी जनरेशंस। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टॉपिक पंजाब टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर ये टॉपिक चैप्टर नंबर 1 के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों, आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, लैंग्वेजेस क्या होती हैं? किसी भी कल्चर को का सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल लैंग्वेज होता है। इसके जरिए आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं और मैसेजेस को कन्वे कर सकते हैं। हर लैंग्वेजेस के अपने सिंबल्स, अल्फाबेट्स, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिनके जरिए उन लैंग्वेजेस को बनाया जाता है। लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम होता है जो सिर्फ अल्फाजों का मजमुआ नहीं होता, बल्कि आप के एक्सप्रेशंस के जरिए अगर आप कोई मैसेज को कन्वे कर रहे हैं तो वो भी एक लैंग्वेज है। के बाद आती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। तो एक ऐसा तरीकेकार है जिसके जरिए यूजर और कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी यूजर और कंप्यूटर जो मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे, वो मैसेजेस लिखने के लिए जिन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं। ये सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनके जरिए कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवाया जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर में मौजूद तमाम प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल्स गेम्स, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ऑफिस और दूसरे सॉफ्टवेयर्स अलग, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। मींस तमाम प्रोग्राम्स के लिए सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, बल्कि दुनिया में हजारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं। दोस्तों, रूल्स यानी ये सिंटैक्स ऐसे रूल्स होते हैं जिनके बिना पर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लिखा जाता है, इसको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सिंटैक्स कहते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अपने रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है, और यूजर अपने रिक्वायर्ड टास्क को कंप्यूटर के जरिए परफॉर्म करवाता है। अगर उन रूल्स को फॉलो ना किया जाए तो आपका कंपाइलर एरर जनरेट करता है, जिसकी वजह से आप अपने रिक्वायर्ड टास्क को पूरा नहीं कर सकते। तो जब तक आप उस एरर को रिमूव नहीं करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर तब तक आगे की कंपाइलेशन नहीं करेगा। इसीलिए अगर आप अपने प्रोग्राम को एरर फ्री करना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सिंटैक्स को प्रॉपरली फॉलो करना होगा। प्रोग्रामर्स अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। मींस आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जरिए किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। आइए हम ये जानते हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आगाज कहाँ से हुआ और किस लैंग्वेजेस से हुआ। ये सबसे पहली कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसीलिए इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये वो वाहिद लैंग्वेज है जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकती है, इसीलिए इसको मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। यानी अगर आपको कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो पहले उसको यानी उस काम को, उस इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में देना होगा। ये वाहिद दो नंबर्स 1 और 0s से मिलकर बनती है, यानी इसमें तमाम इंस्ट्रक्शंस इन्हीं 1 और 0s पर मुश्तमिल होती हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, इसीलिए इसके लिए किसी किस्म के ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मादरी जबान उर्दू है तो आप उसको बिना समझे, बिना पढ़े समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको उर्दू आती है और सामने पश्तो लिखी है तो उसको समझने के लिए किसी न किसी ट्रांसलेटर की जरूरत होगी जो कि पश्तो को उर्दू में ट्रांसलेट करे। बिल्कुल इसी तरीके से मशीन लैंग्वेजेस के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। अगर दूसरी लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में तब्दील करने की जरूरत होती है ताकि आप कंप्यूटर को अपनी बात समझा सके, उससे अपने रिक्वायर्ड टास्क को परफॉर्म करवा सके। हर कंप्यूटर की अपनी अलग अलग मशीन लैंग्वेज होती है, इसीलिए इसको मशीन डिपेंडेंट भी कहा जाता है, क्योंकि एक मशीन पर चलने वाला प्रोग्राम अगर मशीन लैंग्वेज में लिखा है तो वो दूसरी मशीन पर नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन के अंदर प्लस के लिए 110 का कोड है तो दूसरी मशीन के अंदर, दूसरे कंप्यूटर के अंदर वही कोड माइनस के लिए है। और इसीलिए आप एक मशीन के प्रोग्राम को दूसरी मशीन पर ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, यानी ये पोर्टेबल भी नहीं है।
मशीन लैंग्वेजेस में प्रोग्राम को लिखने के लिए मशीन के आर्किटेक्चर को समझना, उसकी डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप उस मशीन के लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मशीन लैंग्वेजेस मशीन्स को तो इजीली समझ आ जाती हैं, लेकिन यूजर्स के लिए इनको समझना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मशीन लैंग्वेज के अंदर इस तरह की किसी एक इंस्ट्रक्शंस को देना है तो ये तो बहुत इजी है, लेकिन हमें एक वक्त में कंप्यूटर को हजारों इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, और इन हजारों इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि लाखों वन और जीरोस पर मुश्तमिल कोड को कंप्यूटर के अंदर डालना होगा। दोस्तों, इसको लिखना और समझना मुश्किल है। फिर अगर इतने बड़े कोड में कोई जीरो का ही एरर आ जाए तो इतने सारे जीरोस में आप कैसे उन एरर्स को ढूंढेंगे, तो एरर्स को ढूंढना भी मुश्किल। इसीलिए प्रोग्रामर्स आमतौर पर मशीन लैंग्वेज में एरर को ढूंढने के बजाय नए सिरे से प्रोग्राम को डेवलप करने को तरजीह देते हैं। मशीन कोड के अंदर लिखे गए प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है। इसके बाद आई सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को इजी बनाने के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया गया था वो था असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेजेस के बाद आई, इसीलिए इन्हें सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। तो इन्हें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो क्लोज टू द मशीन होती हैं, यानी ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत करीब होती हैं, इसीलिए कंप्यूटर को इन्हें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ये मशीन लैंग्वेज की तरह वन और जीरोस के फॉर्म में नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ इंग्लिश वर्ड्स और सिंबल्स को इस्तेमाल किया गया था, बाइनरी डिजिट्स यानी वन और जीरोस की जगह। इसीलिए ये प्रोग्रामर्स के लिए आसान थी, क्योंकि अब लंबे लंबे बाइनरी कोड की जगह प्रोग्रामर्स को सिर्फ उनके सिंबल्स को ध्यान में रखना था। इसी तरह मशीन लैंग्वेजेस के प्रोग्राम में एरर को डिटेक्ट करना, फिर उन्हें रिमूव करना बहुत मुश्किल था, लेकिन असेंबली लैंग्वेजेस में एरर को ढूंढना और फिर उन्हें करेक्ट करना, ठीक करना आसान हो गया था। जैसे कि मैंने बताया कि असेंबली लैंग्वेजेस कुछ सिंबल्स पर मुश्तमिल होती हैं, जिनको असेंबली लैंग्वेजेस में निमोनिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक असेंबली लैंग्वेजेस की इंस्ट्रक्शन है, MOV AX AX, 10। यहाँ ये MOV एक इंग्लिश वर्ड है जो कि न्यूमेरिक्स कहा जाता है, जिसके जरिए आप 10 को इस BX में मूव करवा सकते हैं, यानी इस 10 की वैल्यू को आप इस रजिस्टर के अंदर मूव करवा रहे हैं। के बाद है मल, MULAX, BX। ये मल भी एक इंग्लिश वर्ड है जिसको निमोनिक्स कहा जाता है, जिसके जरिए आप इन दोनों रजिस्टर्स के अंदर मौजूद वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की तमाम छोटे छोटे सिंबल्स को असेंबली लैंग्वेज के अंदर निमोनिक्स कहा जाता है। निमोनिक्स इंग्लिश टाइप वर्ड्स होते हैं जिनका इक्विवेलेंट बाइनरी कोड मौजूद होता है, जिनको ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेजेस को मशीन कोड में तब्दील करते हैं, इसीलिए क्योंकि मशीन कोड ही वो वाहिद लैंग्वेज है जिसको आपका कंप्यूटर समझ सकता है और आपकी इन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करवाना है, यानी इस 10 को AX मूव करवाना है, तो सबसे पहले इसको आप असेंबलर को देंगे, असेंबलर इसको मशीन लैंग्वेज में तब्दील करेगा, और मशीन लैंग्वेज में तब्दील करने के बाद ही कंप्यूटर इस 10 को इस AX में कन्वर्ट करवाएगा, इस AX में मूव करवाएगा। इसके बाद आई थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दोस्तों, मशीन लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम को डेवलप करना मुश्किल था, और जीरोस और न्यूमेरिक्स के अंदर कोड को याद रखना, को समझना, इसीलिए एक ऐसी लैंग्वेज बनाई गई जो यूजर्स के लिए इजी थी। यूजर्स की ही लैंग्वेज यानी इंग्लिश के वर्ड्स पर बनाई गई थी, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज और फिर लो लेवल लैंग्वेजेस के बाद आई, इसीलिए इसको थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस यूजर फ्रेंडली होती हैं, इनको समझना और लिखना आसान होता है, साथ के साथ इनमें एरर को डिटेक्ट करना, फिर उस एरर को रिमूव करना, खत्म करना भी आसान होता है। इस तरीके से असेंबली लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए, यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन कोड के अंदर तब्दील करने के लिए जिन ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होती, यानी एक मशीन पर बनाया गया प्रोग्राम दूसरी मशीन पर भी रन हो सकता है, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस पर बनाए गए सॉफ्टवेयर्स यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, इसीलिए मशीन के आर्किटेक्चर की डीप अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी नहीं है।
बल्कि लो लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिए होती हैं, इसीलिए उनके लिए मशीन को समझना जरूरी होता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्रामर्स के लिए होती है, यानी यूजर्स की नीड्स के मुताबिक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, इसीलिए ये इनके लिए आपको आर्किटेक्चर को समझना, मशीन के आर्किटेक्चर को समझना नहीं है बल्कि यूजर्स की नीड्स को समझना जरूरी है। इनको प्रोसीजर यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखा हुआ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बहुत सी इंस्ट्रक्शंस पर मबनी होता है। इसके जरिए आपको कंप्यूटर को सिर्फ ये नहीं बताते कि करना क्या है, बल्कि ये भी बताना होता है कि काम को किस तरीके से करना है, यानी इस तरीके से आपको तमाम लॉजिक्स को डिफाइन करना होता है। इसीलिए इनको प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेजेस भी कहा जाता है, क्योंकि तमाम हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे गए प्रोग्राम्स किसी खास ह्यूमन नीड को सॉल्व करने के लिए लिखे जाते हैं। अगर एक हाई लेवल लैंग्वेजेस किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है तो जरूरी नहीं कि उसके जरिए आप किसी दूसरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बेस्ट है, लेकिन उसके जरिए आप बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे कि कोबोल जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि खास बिजनेसेस और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स को बनाने में इस्तेमाल होती है। उसके जरिए आप अगर कोई कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वो आपको सही आउटपुट नहीं देगा। तरीके से फोरटान लैंग्वेज है जिसके जरिए आप फॉर्मूलाज वगैरह यानी मैथमेटिक्स के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन गेम्स को डेवलप करने के लिए ये लैंग्वेज बेकार है। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस में मैथमेटिकल ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, साइंस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस और इसी तरह की अलग अलग लैंग्वेजेस अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है। दोस्तों ये तो थी थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसके बाद आई फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस यानी वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि आपको कोई भी हाई लेवल लैंग्वेजेस में अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो पहले उसे सीखना होगा, उसके सिंटेक्स को, उसके रूल्स को, साथ साथ उसमें प्रोफेशनल भी होना होगा, जबकि बार बार एरर्स को फेस ना करना पड़े। और दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेजेस है, मींस अगर आप कंप्यूटर से कोई टास्क करवाना चाहते हैं तो आपको अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जरिए उसको पूरा डिफाइन करना होगा कि उसको कैसे करना है, जिसकी वजह से आपको लंबे लंबे कॉम्प्लेक्स कोड्स हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखने पड़ेंगे। इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए 1970s में फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस का आगाज हुआ, जिनको वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। इसके जरिए प्रोग्रामर्स को यानी प्रोग्रामिंग को यूजर्स के लिए बहुत आसान बना दिया गया। इनके अंदर यूजर को लंबे लंबे कोड्स या फिर किसी प्रोसीजर और सिंटेक्स को फॉलो नहीं करना होता था, इसीलिए इनको नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाई लेवल लैंग्वेज में आप जो कोड 50 लाइंस में लिखते थे वो आप फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस के जरिए सिर्फ एक लाइन में लिख कर आउटपुट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए इसको प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल दोनों तरह के यूजर्स और प्रोग्रामर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आप ये बताते हैं कि काम क्या है, कैसे होगा, ये बताना ही नहीं होता। हाई लेवल लैंग्वेजेस की निस्बत इनको सीखना आसान होता है, और सीखना आसान होता है तो इनके अंदर मौजूद इनको कोड करना भी आसान होता है, और कोड करने के साथ साथ इनमें एरर को ढूंढना और फिर उसको रिमूव करना भी आसान होता है। ये ज्यादातर डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, मींस आप सिंगल कमांड्स के जरिए डेटाबेस में एडिशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक लिमिटेशन ये भी है कि डेटाबेस सिस्टम्स के लिए आपको बहुत सिक्योरिटी और बैकअप की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर डेटा में चेंजिंग कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है। इसीलिए सबसे पहला काम है डेटाबेस सिस्टम्स को अनऑथराइज्ड यूजर्स से बचाना, और अगर फॉर एग्जांपल डेटा डिलीट हो जाता है तो उस जैसा डेटा आपके पास बैकअप में मौजूद होना चाहिए। इस तरीके से आप डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं। फोर्थ जीएल में थ्री फोर्थ जीएल लैंग्वेज यानी फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने 3GL लैंग्वेजेस को बिल्कुल खत्म नहीं किया, लेकिन इसके फीचर्स की वजह से इनका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। फोरटान, ओरेकल, SQL और बहुत सी फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अब यूज हो रही हैं।
के बाद आई फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, यानी फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजीज के लिए भी ये फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाएगी। इसको नेचुरल लैंग्वेज भी कहा जाता है, यानी किसी स्पेशल नॉलेज के बगैर भी आप अपनी ही लैंग्वेज में कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसीलिए आपको इसके लिए आपको स्पेशल वर्ड्स सिंबल्स को लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी आवाज में भी कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एक ही वर्ड को डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है, आपको किसी किस्म के किसी एरर को फेस करना नहीं होगा, इसीलिए इनको ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। मींस एक लैंग्वेज को पहले से ही कुछ सिखा दिया जाता है और यूजर को इनपुट दिए बगैर आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे कि 4GL लैंग्वेजेस में यूजर कुछ इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को इनपुट देता था, जिसके बिहाफ पर आउटपुट आता था, जबकि अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई जाएंगी उनको पहले से ट्रेन कर दिया जाएगा, और उनको ट्रेन करने के लिए बिग डेटा सेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और उस बिग डेटा सेट्स को इस्तेमाल करते हुए वो खुद से डिसीजन दे सकती है। जैसे कि लैंग्वेज आर, प्रोलॉग, ये कुछ इस तरीके की लैंग्वेजेस हैं जो अब तक इस्तेमाल की गई हैं, अब तक बनाई गई हैं। ये तमाम लैंग्वेजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रिपोर्ट्स वगैरह को इन लैंग्वेजेस के जरिए प्रोग्राम किया जाता है। ये फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस दरअसल फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजीज के लिए बनाई गई हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमने तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस, वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस और नेचुरल लैंग्वेजेस के फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस को डिटेल में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट और मदरबोर्ड के तमाम कॉम्पोनेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे।